हल्द्वानी से दिल्ली जा रही रोडवेज बस का चालक संदिग्ध हालत में अचानक बेहोश हो गया। इससे बस अनियंत्रित होकर टांडा जंगल रोड पर 100 की स्पीड में दौड़ने लगी। इस दौरान बस सवार 55 से अधिक यात्रियों में चीख पुकार मचने लगी। गनीमत रही कि बस में CISF के असिस्टेंट कमांडेंट भी सवार थे, जिन्होंने सतर्कता बरतते हुए तत्काल चालक को स्टेयरिंग से हटाया और बस को सड़क किनारे लगाकर ब्रेक मार कर रोक दिया, जिसके बाद बस में सवार लोगों ने राहत की सांस ली। यात्रियों का आरोप है कि बस चालक और कंडक्टर दोनों नशे में थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर बस हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से दिल्ली के लिए निकली थी। 55 सीटर बस में 55 से अधिक यात्री सवार थे। हल्द्वानी में ही बस चालक ने एक दुकान के पास बस रोकी और कुछ सामान लिया, जिसके बाद हल्द्वानी से बस रुद्रपुर की ओर आ गई। टांडा जंगल स्थित नैनीताल रोड पर अचानक बस अनियंत्रित हो गई और 100 की स्पीड से सड़क पर दौड़ने लगी। साथ ही बस का चालक भी स्टेयरिंग पर बेहोश हो गया। इससे बस टांडा जंगल नैनीताल रोड पर अनियंत्रित हो गई। चालक के स्टेयरिंग पर लेट जाने और तेज रफ्तार अनियंत्रित बस से उसमें सवार यात्रियों के होश उड़ गए। बस में चीख पुकार मचने लगी। ये देखकर बस में सवार असिस्टेंट कमांडेंट सोनू शर्मा अपनी सीट से उठे और चालक की सीट तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंडक्टर और अन्य यात्रियों की मदद से पहले चालक को सीट से हटाया। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट ने खुद चालक की सीट संभाली और बस में नियंत्रण करते हुए उसे सड़क किनारे रोक दिया, जिसके बाद डरे सहमे यात्री एक के बाद एक बस से उतर आए। बाद में सूचना पर उत्तराखंड रोडवेज के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ ही पुलिस भी पहुंच गई। लोगों ने चालक और कंडक्टर का मेडिकल कराने की मांग की, जिस पर पंतनगर थाना पुलिस ने यात्रियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग नरकोटा के पास बाइक सवार व्यक्ति खाई में गिर गया, जिसे SDRF की ओर से रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि जिला नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग द्वारा SDRF को सूचित किया गया कि नरकोटा के पास एक बाइक सवार व्यक्ति खाई में गिर गया है। वहीं उक्त सूचना पर SDRF टीम के उप निरीक्षक रविंद्र सिंह रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए, जिसके बाद SDRF टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल 200 मीटर नीचे गहरी खाई में रोप के माध्यम से उतरकर उक्त बाइक सवार व्यक्ति तक पहुंच बनाई गई, जहां पर व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको SDRF टीम की ओर से रोप और स्ट्रेचर के माध्यम से खाई से रेस्क्यू कर उचित उपचार के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि युवक बनारस का रहने वाला है, जिसका नाम निक्कू यादव है और उसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक घायल व्यक्ति ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए जा रहा था और अचानक नरकोटा के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा।